नमस्कार आप देख रहे हैं एमपी न्यूज और मैं हूं आपके साथ साक्षी जैन एमपी न्यूज के इस खास प्रोग्राम न्यूज रूम में आप सभी का स्वागत है जिसमें आज हम बात करेंगे मध्य प्रदेश की की तमाम बड़ी खबरों तो चलिए शुरुआत करते हैं कांग्रेस से लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस की बैठकें लगातार जारी है और लगातार तैयारियां जारी है नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी लगातार अपने समर्थकों कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों से संवाद भी कर रहे हैं प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने कहा कि सभी कार्यकर्ता लोकसभा चुनाव की तैयारी में जुटे हुए हैं और आपको बता दें कांग्रेस सोशल मीडिया विभाग की एक महत्वपूर्ण बैठक रविवार को प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में आयोजित की गई इसमें बड़ी संख्या में कांग्रेस के जिला अध्यक्ष पदाधिकारी शामिल हुए बैठक की अध्यक्षता कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने की है जी हाँ बैठक में लोकसभा चुनाव में सोशल मीडिया मे की कार्य प्रणाली संगठनात्मक भूमिका और विस्तार से चर्चा की गई संगठनात्मक भूमिका पर विस्तार से चर्चा की गई है बैठक में सोशल मीडिया विभाग के प्रदेश प्रभारी अध्यक्ष के अलावा लोकसभा क्षेत्र प्रभारी और विधानसभा क्षेत्र समन्वयक भी शामिल रहे तो चलिए आगे बढ़ते हैं और अब जानते हैं बीजेपी की क्या तैयारी है लोकसभा चुनाव को लेकर तो विधानसभा चुनाव में बंपर जीत हासिल करने के बाद अब भाजपा लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुटी नजर आ रही है इसी कड़ी में 11 जनवरी को भोपाल में पार्टी ने चिंतन बैठक रखी है जी हाँ आपको बता दें कि 11 जनवरी को पार्टी ने एक भोपाल में चिंतन बैठक रखी है इसमें पार्टी आगामी चुनाव को लेकर रणनीति तैयार करने वाली है राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष भी इस बैठक में शामिल होंगे यह डॉक्टर मोहन यादव के सीएम बनने के बाद पहली बैठक हो रही है जी हाँ आपको यह भी बता दें कि यह बैठक डॉक्टर मोहन यादव के सीएम बनने के बाद पहली बार की जा रही है इसमें मोहन कैबिनेट के कुछ मंत्री भी हो सकते हैं वहीं आगे बढ़ते हैं औद्योगिक नगरी इंदौर पर तो मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव शनिवार रात देहरादून से सीधे इंदौर पहुंचे यहां उन्होंने कलेक्टर कार्यालय में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अधिकारियों से बात भी की उन्होंने अफसरों को निर्देश दिए कि प्रदेश में मकर संक्रांति पर सभी जिलों में खेल व अन्य बड़े पैमाने पर कार्यक्रम आयोजित किए जाएं सीएम बैठक के बाद रामबाग स्थित संघ के नायक कार्यालय भी गए और और आरएसएस के पदाधिकारियों से उन्होंने चर्चा भी की सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने, अफसरों के नर, को यादव ने मीडिया से भी चर्चा की और उन्होंने कहा कि हम सभी योजनाओं पर समान रूप से काम कर रहे हैं जी हाँ दस जनवरी को लाडली बहना योजना की राशि भी खातों में डाली जाएगी हमारा जोर महिला सशक्तिकरण पर भी इसके लिए अभियान भी चलाया जा रहा है आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इंदौर का मौसम कैसा है तो रविवार सुबह इंदौर में घना कोहरा छाया रहा और न्यूनतम दृश्यता भी सुबह पाँच बजे की बात की जाए तो 150 मीटर तक पहुंच गई थी करीब आधे घंटे तक न्यूनतम दृश्यता इसी स्तर पर रही कोहरे के कारण रविवार सुबह इंदौर एयरपोर्ट पर कई उड़ाने भी प्रभावित हुई जी हाँ आपको बता दें कि कई उड़ाने जो थी आज वो प्रभावित रही इंदौर में सुबह से बादल भी छाए रहे और सुबह दस बजे तक दृश्यता की बात की जाए तो 1000 मीटर से कम रही सुबह साढ़े नौ बजे शहर में बादलों के साथ हल्की बूंदाबांदी भी देखी गई सुबह पूर्वी और दक्षिण पूर्वी हवा 13 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से भी चली आगे बढ़ते हैं राजधानी भोपाल की तरफ तो पुलिस मुख्यालय के निर्देश अनुसार दो में सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने के लिए यातायात जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है जिसमें इसके अंतर्गत वाहन चालकों में जागरूकता लाने के उद्देश्य से रविवार को दो पहिया वाहन रैली का एक आयोजन किया गया इस रैली में पुलिस आयुक्त कार्यालय से प्रारंभ होकर शहर के निम्न मार्गों से गुजरी रैली और इसका शुभारंभ हरि नारायण चौरी मिश्र पुलिस आयुक्त नगरीय पुलिस भोपाल द्वारा हरी झंडी दिखाकर किया गया तो यह थी आज की मध्य प्रदेश की तमाम बड़ी खबरें और भी अपडेट्स के लिए आप बने रहिए एमपी न्यूज के साथ नमस्कार एमपी की नफ्स एमपी का हाल मध्य प्रदेश की हर खबर एमपी न्यूज टीवी के साथ लगातार खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल एमपी न्यूज टीवी लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन दबाना जरा भी न भूलें.